हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कास्टिग्लिआनोस थ्योरम को हमने यूज किया था इन केस ऑफ ट्रसेस। ट्रसेस में हमें डिफ्लेक्शन फाइंड करनी है, लैक ऑफ फिट के कारण जॉइंट्स में कितना मूवमेंट आता है, वो सब हमने देखा था। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग बीम कंसिडर करेंगे और देखेंगे कि बीम स्ट्रक्चर्स में कास्टिग्लिआनोस थ्योरम कैसे वर्क करती है। ओके, तो वी डायरेक्टली कम टू द प्रॉब्लम। ठीक है, तो प्रॉब्लम है, मेरे पास सिंपली सपोर्टेड बीम दिया है जिसका 1 मीटर का स्पैन है। ठीक है, सेंटर पे पॉइंट टू लग रहा है और एक यूडे लग रहा है इसमें। ठीक है, तो मुझे डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है सेंटर पे सी पॉइंट पर। ठीक है, डिफ्लेक्शन सेंटर पर एट पॉइंट सी। ठीक है, तो यार अगर मैं देखता हूं, अगर मैं देखूं यहां पर, ये मेरे पास बीम है सिंपली सपोर्टेड। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट लग रहा है, इसका वैल्यू है 20 किलो न्यूटन। ओके, इस पॉइंट पर एक यूडेल है 8 किलो न्यूटन मीटर का। ठीक है, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी कैलकुलेट करना है मेरे को। ठीक है, यूजिंग कास्टिग्लिआनोस थ्योरम। तो कास्टिग्लिआनोस थ्योरम अगर मेरे को यूज करनी है यार, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझे मैं देखता हूं, फार्मूला लिखता हूं कि डेल्टा डिफ्लेक्शन कितना होता है पॉइंट सी। तो डेल्टा सी वर्टिकल जो होगा वो होगा मेरा एम डॉट डेल एम बाय डेल पी इनटू में डीएक्स ओवर में ई है, यही होगा। क्लियर है? तो यहां पे जो एम है वो मेरा मोमेंट है। ठीक है, पी जो है मेरा लोड है जिस पॉइंट पर मेरे को डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, अभी आप लोग देखेंगे, अभी आप लोग देख रहे हैं कि सेंटर पॉइंट पर, सेंटर सी पॉइंट पर यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन जो लोड लग रहा है वो है 20 किलो न्यूटन का। तो मैं ज़ूम कर लेता हूँ कि जो पी है वो मेरा 20 किलो न्यूटन है। ओके, और उसकी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है। तो इस फिगर को मैं अगर थोड़ा सा चेंज करूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ इन टर्म्स ऑफ लोड, तो वो हो जाएगा यहाँ से पी लोड लगेगा और सेंटर पे जो है, यहाँ पर जो है आपका वो यूडीएल लगेगा। क्लियर पॉइंट? ठीक है, तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, मोमेंट कैलकुलेट करना है। मोमेंट अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मेरे को मोमेंट दोनों, इसमें पी भी इंक्लूड करना है और 8 किलो न्यूटन का भी, यूडीएल भी इंक्लूड करके मेरे को मोमेंट्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 20 किलो न्यूटन को जो है पी ले लिया है और उस पी के टर्म्स, और मैं मोमेंट को उस पी के टर्म्स पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा। ठीक है, तो हम आते हैं, तो सबसे पहले हम रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला टाइम कैलकुलेशन ऑफ सपोर्ट रिएक्शन। ओके, तो सपोर्ट रिएक्शन अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल सपोर्ट रिएक्शन मेरे पास के एक तो है पी। ठीक है, पी अगर मैं देखूं, अगर मैं ए पर मोमेंट निकालता हूं तो टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए अगर मैं देखूं तो यहां से मेरे को मिलता है पी इंटू फोर इज इक्वल, और फिर ये प्लस 8 × 4 × 2 is equals to RV into H. यही मिलेगा। क्लियर है? P into 4, 8 into 4 total load और center पे add करेगा तो 2 meter और equals to RV into H. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम calculate करें तो 4P plus ये value आती है आपकी कितनी 64 value आ गई 4 × 8 और upon में 8 is equals to RV. ठीक है, तो RV यहाँ से आता है आपका 0.5P plus 8 is equals to RB. clear है? तो RB के अगर मैं रिएक्शन यहाँ से लिखूँ तो वो आती है मेरे पास 0.5P plus 8. ठीक है, ये होगी किलो न्यूटन में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि RA पर कितना मिलेगा उनको, तो टोटल रिएक्शन, टोटल जो फोर्स है, वर्टिकल फोर्स है, अगर मैं वर्टिकल फोर्स का इक्विलिब्रियम देखूँ, टोटल फोर्स है मेरे पास 8 × 4 plus P. ठीक है, is equals to RA plus RB. तो कितना है 32 plus P is equals to RA plus RB. तो 32 plus P minus of 0.5P plus 8 is equals to RA. तो ये हो जाएगा कितना आपका 32 में से 8 गया, कितना 24 minus 0.5P plus 0.5P जो है आपका, वो है आपका RA. क्लियर है? तो यहाँ पर जो रिएक्शन लग रही है वो लग रही है आपकी 24 plus 0.5P. ठीक है, तो रिएक्शंस मेरे पास कैलकुलेट हो गई, हो गई है मेरे पास। अभी मैं देखता हूँ कि यार मेरे को मोमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैं मोमेंट के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं तो सबसे पहले मैं सेक्शन कंसीडर करता हूँ, एक ये वाला सेक्शन कंसीडर करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स एक एलिमेंट कंसीडर करता हूँ डीएक्स का। ठीक है, तो यही मेरा जो डीएक्स है, अगर मैं इस पर मोमेंट कैलकुलेट करूँ तो मोमेंट की वैल्यू आती है मेरी 0.5P plus 8 × x, ये वैल्यू आती है। क्लियर है? और अगर मैं यहाँ पर मेंबर पोर्शन लिखूं, यहाँ पर मेंबर्स, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बीसी सबसे पहला मेंबर, दूसरा मैं लिखता हूँ एसी। ठीक है, तो मोमेंट कितना होगा, एम अगर मैं देखूं तो मोमेंट कितना होगा इंक्लूडिंग पी, ये होगा आपका पॉइंट
पॉइंट फाइव पी प्लस एट इंटू में एक्स, यही होगा टोटल फोर्स इंटू डिस्टेंस। उसके बाद यहां पर मैं डेल एम बाय डेल पी करता हूं, क्लियर है? तो डेल एम बाय डेल पी अगर मैंने किया इस पॉइंट पर, तो यहां पर मेरे को डेल एम बाय डेल पी मिलेगा मेरे को कितना, पॉइंट फाइव एक्स, यही मिलेगा, ठीक है। और अगर मैं देखूं, अगर मैं पी फोर्स को जीरो कर दूं, पी फोर्स ये एम है व्हेन पी इक्वल्स टू जीरो, व्हेन पी इक्वल्स टू 20, क्योंकि यहां पर पी जीरो नहीं है, पी 20 है, तो जो मेरे मोमेंट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, एक बार देखते हैं इसको, हो जाएगी 0.5 इनटू 20 प्लस 8, तो ये हो जाएगा मेरे पास कुछ 18x। मेरे पॉइंट डायरेक्शन जो है वो दोनों की पॉजिटिव है, क्योंकि क्लॉकवाइज मोमेंट या एंटी क्लॉकवाइज जरा इस सेक्शन के इस तरफ है, तो एंटी क्लॉकवाइज हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब हम आते हैं एसी पर, ठीक है। एसी पर अगर हम लोग आते हैं, तो एसी पर मेरा इधर से मूवमेंट लेना इजी रहेगा कि यहां से लेना रहेगा? अगर मैं इधर से लेता हूं तो मेरे को तीन फोर्सेस कंसीडर करना है, तो मैं बेटर है कि मैं सेक्शन को यहां से लेता हूं एट अ डिस्टेंस x पर, dx एक एलिमेंट कंसीडर किया, तो जिसके कारण जो मेरा मूवमेंट आएगा वो कितना आएगा, 24 प्लस 0.5p इनटू में x माइनस ऑफ 8x2 ओवर में 2, यही आएगा, ठीक है। तो इसको मैं काट के लिख सकता हूं 4, ये हो जाएगा मेरा कितना, 25 प्लस 0.5p माइनस ऑफ 4x स्क्वायर, क्लियर है, इनटू में x आएगा वहां पे। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं डेल, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं मैं अगर इन टर्म्स ऑफ p, तो ये वैल्यू देगा मेरे को, ये भी यहां से 0.5 dx आएगा, 0.5x, क्लियर है। और मोमेंट जो होगा वो व्हेन p इक्वल्स टू 20 है, वो कितना होगा आपका, जो मोमेंट होगा वो होगा आपका कितना, 24 प्लस 0.5 इनटू 20, ये होगा आपका कितना, 34x माइनस ऑफ 4x स्क्वायर, क्लियर है। तो यार मेरे पास, मेरे को ये टर्म मिल चुका है और ये टर्म भी मेरे को मिल चुका है, क्लियर है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं इसको, डेल्टा सी वी अगर मैं कैलकुलेट करूं, डेल्टा सी वी वर्टिकल, तो ये फर्स्ट इक्वेशन में ये लेता हूं, मोमेंट है मेरे पास कितना यहाँ पर 18x, डेल एम बाय डेल पी है मेरे पास कितना 0.5x, ठीक है, इनटू में dx और ओवर में ये आई, और इसको इंटीग्रेट करूंगा कहां से, 0 टू 4 से। सिमिलरली अगर मैं यहां पर करूं इस चीज को भी मैं 0 टू 4 इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है। और यहां पर जो मोमेंट है मेरे पास है वो है आपका 34x माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, इनटू में डेल एम बाय डेल पी जो है वो है मेरा कितना, डेल एम बाय डेल पी अगर मैं करूं 0.5x इनटू में डीएक्स ओवर में ये, यही इक्वेशन है, ठीक है। अगर मैं इस चीज को इंटीग्रेट कर दूं तो ये मेरे पास कितना आता है, अगर मैं इस चीज को इंटीग्रेट कर दूं तो ये आएगा 0 टू 4 इनटू 5 इनटू This is 192 over में ई आई प्लस, अभी इसको अगर इंटीग्रेट करें तो 0 टू 4 अगर मैं इसको भी इंटीग्रेट करता हूं तो ये टर्म आता है मेरे पास 34 माइनस 4x स्क्वायर 0.5x इक्वल टू 4, तो ये टर्म आ रहा है कुछ 704 अपॉन में 3 ई आई, क्लियर है। तो जो टोटल डिफ्लेक्शन हो जाएगा मेरे पास, टोटल डिफ्लेक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास प्लस 192 इक्वल्स टू 1280 अपॉन में 3 ई आई, क्लियर पॉइंट, ठीक है। तो टोटल जो डिफ्लेक्शन जो हो जाएगा मेरे पास, वो मेरे पास हो जाएगा 1280 ओवर में ई आई, और जो डायरेक्शन है वो भी पॉजिटिव आई है, पॉजिटिव कहने का मतलब है लूप के अलोंग ही है, तो ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जो डिफ्लेक्शन जो मेरे को मिलेगा, इस पॉइंट पर जो डिफ्लेक्शन मेरे को मिलेगा यहाँ इस बीम पर, वो मिलेगा कुछ 190.3 ई आई, क्लियर है।
और अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो इसकी जो वैल्यू आई है वो है कितने 190 80/3 इनटू किलो न्यूटन मीटर क्यूब में वैल्यू आई है, ठीक है। और ओवर में ई आई, ठीक है। तो ई आई को हम चेंज कर सकते हैं इसमें 1980 ओवर में 3, ई आई कितना हमारे पास 2 × 10^5, ठीक है। और ये है 150 × 10^6 mm4, तो ये mm4 है और ये न्यूटन पर mm2, तो यहाँ से स्क्वायर गया। अगर मेरे को mm को चेंज करना है इसमें तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 10^6 से, ठीक है। और यहाँ पर फिर न्यूटन को 1000 से, तो 10^6 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका कुछ 1980 इंटू दिस 3 × 2 × 10^5 × 150, तो वैल्यू आएगी आपकी 1280 है। ये वैल्यू आ गई है आपकी 0.014 मीटर यानी 14 mm, ठीक है। तो ऐसे हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं कि जहां पर हमको डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है वहां पर हमको एक लोड लगाना है, ठीक है। अगर मेरे को मोमेंट फाइंड करना होता इस पॉइंट पर तो मैं सिंपल एक यूनिट मोमेंट लगाता, फिर मैं डिफ्लेक्टिव में उसके कारण उसको जो वैल्यूज है वो कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो एम मेरे को कंसिडर करना है वो टी इक्वल टू 0 लेके कंसिडर करना है, ठीक है। P equal to 20 लेके, इस केस में लोड है तो 20 मैंने 20 लोड कंसीडर किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपका थोड़ा समझने के प्रॉब्लम, तो डिफ्लेक्शन हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है इन केस में, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसमें अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख नीचे ले सकते हैं, ओके। थैंक यू वेरी मच।